हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनीसल। आज मैं एक बढ़िया सा रेसिपी लाई हूँ, चिकन पटियाला। देखिए, मैंने हाफ के जी चिकन लिया है, दही 50 ग्राम, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, इसको अच्छे से मिलाना है। देखिए, मैं हाथ से एकदम बढ़िया सा मिला रही हूँ, ऐसे मिला दीजिए आप। और इसको ना मैगनेट के लिए 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये जो रेसिपी हम बनाएंगे ना, ये 10 मिनट में रेडी होगा। देखिए, मैं 2 चम्मच ऑयल लिया हूँ, सरसों का तेल। देखिए, ये जो है सूखा मसाला। देखिए, 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। देखिए, 2 प्याज मीडियम साइज़ प्याज मैंने लिया है। कितना थोड़ा सा मसाला हम में ये बनाएंगे, और ज़्यादा नहीं बनाना है मसाला। देखिए, काश्मीर चिल्ली 1 टेबलस्पून, कलर बढ़िया सा आएगा तेल में अगर काश्मीर चिल्ली को फ्राई करेंगे तो। देखिए, और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन, ज़्यादा नहीं। देखिए कितना मसाला हुआ हमारा बना हुआ है। और ये जो मसाला है, इतना सा ही मसाला में हम चिकन बनाएंगे। चिकन कोई बनाते हैं ज़्यादा मसाला डाल के। देखिए, आधा कप पानी, मसाला थोड़ा पकेगा इसलिए मैंने आधा कप पानी डाला है। देखिए, अभी ये पानी थोड़ा उबल के, कलर देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। चिकन पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। देखिए, इतना मसाला है। अभी इतना सा मसाला में हम चिकन बनाएंगे। कितना कम तेल कम मसाला में हम बनाते हैं, ये देखिए। ऐसे बनाएंगे तो चिकन का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगी। और तेल जो है ना, जो तेल मतलब डाल के, ज़्यादा से ज़्यादा तेल डाल के चिकन बनाते हैं, इससे ये स्वाद जो है ना, ये जब वो खाएंगे तब उनको पता चलेगा कितना स्वादिष्ट चिकन बना हुआ है। टमेटो 4 टमाटर लिया है मैंने, इसको अच्छे से काट लिया है। देखिए, अभी ये जो हमारा मसाला है ना, ये थोड़ा सा पक चुका है। अभी हमें टमाटर डाल रही हूँ। देखिए, टमाटर मैंने डाल दिया है, ये टमाटर थोड़ा फ्राई हो जाए, ज़्यादा फ्राई ना हो, थोड़ा सा फ्राई हो जाए। मसाला में टमाटर डालेंगे ना, आप चाहे तो टमाटर को ग्रेट करके डाल सकते हैं और पीस के डाल सकते हैं। देखिए, हल्दी 1/2 चम्मच, स्वाद के हिसाब से नमक। मैंने चिकन में नमक नहीं डाला था, क्योंकि नमक डालने से चिकन से ज़्यादा पानी निकलता, लेकिन मुझे नमक नहीं डालना था, मैंने नहीं डाला था मसाला में। मैं नमक स्वाद के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। देखिए, नमक मैंने डाल दी, और टमाटर जो है ना, वो फ्राई हो चुका है। अभी हम मैगनेट के लिए रखे थे ना चिकन, वो 15 से 20 मिनट हो चुका है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखिए, मसाला जब तेल छोड़ने लगेगी तभी हमको चिकन को डालना है। मैंने ज़्यादा तेल तो नहीं डाला था, 2 टेबलस्पून तेल ही डाला था, तो इसमें ये मसाला एकदम सूख जाएगी। देखिए, मसाला कितना बढ़िया कलरफुल हो चुका है ना, तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। मैं जो भी ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना लाऊंगी, आप सब देख सकते हैं और ऐसे बना के खा सकते हैं, अपने सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। देखिए, इस तरह से बनाएंगे चिकन, चिकन का स्वाद तो बहुत बढ़िया स्वाद आएगी, और तेल से आपका तबीयत ख़राब नहीं होगी। देखिए, मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ कम तेल मसाला में मैं बनाती हूँ, ज़्यादा तेल मसाला में यूज नहीं करती, और बहुत स्वादिष्ट ये बनता है खाना, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इतना स्वादिष्ट बनता है कि आप ये सब बनाएंगे, एक बार देखेंगे 1000 बार बनाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वाद होता है इसमें। देखिए, तेल तो ना के बराबर है, मसाला हमारा बन के रेडी हो चुका है। अभी पूरा एकदम सूख गया है, टमाटो से जो पानी निकल रहा था ना, वो भी सूख गया है। देखिए कितना बढ़िया सा मसाला हमारा बन चुका है, पानी बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे,
देखिए आधा कप में पानी डाल दिया क्योंकि मसाला हमारा पक चुका है। अभी हम चिकन फ्राई करेंगे यहाँ पे, तो जितना पानी चिकन से निकलेगा और ये थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है और बीच में पानी नहीं डालना है, ठीक है। ये पानी उबल चुका है, देखिए थोड़ा सा पानी मैंने डाला, मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। और मसाला जो है ना, ये थोड़ा सा फूल गई है मसाला, देखिए। और जो चिकन मैरिनेट के लिए मैंने रखा था, 20 मिनट हमारा हो चुका है, अभी हम चिकन डाल देंगे। देखिए बढ़िया सा मैरिनेट हो चुका है चिकन, यहाँ पे हम डाल देंगे चिकन। मैंने चिकन डाल दिया है और इसको अच्छे से फ्राई करना है, कवर करके लो फ्लेम में रखिएगा, तो ये धीरे धीरे उसका चिकन से भी पानी निकलेगी। ये 10 मिनट में रेडी हो जाती है, देखिए। ये मैंने लो फ्लेम में रखा था, कवर कर दी थी, फिर मैंने लो फ्लेम करके फिर थोड़ा फ्राई किया कवर निकाल के। देखिए मैंने जितना तेल डाला था ना चिकन से, सब चिकन तेल छोड़ चुकी है। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बन चुका है चिकन, एकदम बढ़िया सा बन चुका है, एकदम टाइट सा बन चुका है। देखिए मुझे ज़्यादा ग्रेवी, इस रेसिपी के लिए ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। मैं 2 अंडे लिया हूँ और अंडे तोड़ दिया हूँ। देखिए अंडे में काश्मीर चिल्ली, थोड़ा सा काश्मीर चिल्ली और थोड़ा सा नमक मैंने डाल दी थी। अभी देखिए मैंने एक पैन ले ली, इसमें 2 चम्मच बटर डाल दी मैंने। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं, नहीं तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। बटर हो तो खुशबू देखिए बहुत बढ़िया आ रही है। और अंडे मैंने डाल दिया है, ऊपर से आधा चम्मच बटर मैंने डाल दी। और देखिए अंडा थोड़ा नीचे का हिस्सा हो चुका है, और जो चिकन था ना बना के रखी थी उसको मैं दे दी। रेडी हमारा हो गया रेसिपी, ये हमारा बन गया चिकन पटियाला। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे नए के रेसिपी के साथ नए वीडियो में।